ठीक है, सभी को नमस्कार। इस क्लस्टर लेवल कार्यशाला में, परत की कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे दीपक नगर संकुल के सारे जो स्कूल्स हैं वो उपस्थित हैं, और प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं यहाँ आसपास वो सारे शिक्षक उपस्थित हैं। परत से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको यहाँ मिलती है, आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी अपनी स्कूल्स में जा कर के अपने सारे टीचर्स को, वे सारे शिक्षक जो कक्षा 3वीं, 6वीं और 9वीं पढ़ाते हैं, उनके साथ साझा कीजिए और इसकी महत्वता को थोड़ा सा समझिए और काफ़ी सीरियसली लीजिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। तो आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए आप लोगों को ये सारी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम अपना कार्यशाला श्रीमती मनीषा अवस्थी के द्वारा शुरू करेंगे, इसके बाद बारी बारी से सारे शिक्षक अपना अपना जो भी पार्ट है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे हम सभी जानते हैं कि आज हम परख के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि परख क्या है, परख का एग्ज़ाम किस तरीके से हमें स्कूल लेवल पर लेना है, और परख के लिए हमें क्या क्या तैयारियाँ करवानी हैं। तो अभी शिक्षकों पे एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस बात की, क्योंकि समय, जैसे मैडम ने कहा कि बहुत कम बचा है, 4 दिसंबर की एक डेट जो है वो फिक्स हो गई है। NEP 2020 के तहत ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे हो रहा है, जिसके नाम से ही बहुत क्लियर है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस। तो सिर्फ एक एग्ज़ाम हम बच्चों को परखने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये परख बच्चों के साथ साथ आपको एनालाइज भी करवाएगा कि हमें कहाँ कहाँ अपने में सुधार लाना है, और उसका एक रिव्यू भी होगा। इसका मतलब पूरा परख जो है वो सिर्फ उस स्टेज पे लगाया गया है जहाँ NEP 2020 ये कहता है कि बच्चों में एक चेंज आता है, वो चेंज उनके साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, हार्मोनल हो, किसी भी प्रकार के चेंजेस में। तो आप ये सब जानते होंगे कि जो नई स्कीम है शिक्षा पद्धति की, वो 5+3+3+4 की है, जिसमें हम पहली स्टेज कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज। तो फाउंडेशनल स्टेज जब बच्चा, मतलब पहली और दूसरी पढ़ चुका है, तो उसने क्या सीखा वो आप असेस करने वाले हैं या चेक करने वाले हैं एट द एंड ऑफ द फाउंडेशनल स्टेज, मतलब क्लास 3 में। तो जो क्लास 3 के टीचर्स हैं उन्हें ये ध्यान देना है कि क्या उन्हें क्लास पहली और दूसरी, यानी कक्षा 1 और 2 की वो सारे स्किल्स, वो सारी कॉम्पिटेंसीज जो मेरे बाकी टीचर्स आपसे शेयर करेंगे कि क्या है डिटेल्ड में, वो आपको असेस होगा। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि शिक्षक जब ये जानेगा कि असेसमेंट किस चीज़ का हो रहा है, तो वो तैयारी उस लेवल की कराएगा क्लास में। अगर आपको, मैंने कहा क्लास 3 जो है वो एंड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज है, तो क्लास 6 क्या हुई, एंड ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी मतलब क्या, अब आपका बच्चा 6वीं 7वीं पढ़कर, 3री 4थी पढ़कर प्रिपरेटरी स्टेज में यहाँ तक आ गया है कि वो आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है और कर सकता है। और आप जानते हैं कि स्किल्स तो हमारी मेन वही हैं, रीडिंग है, राइटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड लॉजिकल वो थिंक कर सके, इस पे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है NEP। बस यही एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट में 2-3 शब्द कई समाहित हो जाते हैं ओवरऑल के लिए, जिसमें एक होता है कॉग्निटिव असेसमेंट और दूसरा होता है उसका लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब बच्चा सोच के कर पा रहा है कि नहीं। और दूसरा जो बार बार कह रहे हैं हॉट्स क्वेश्चन आएंगे हायर ऑर्डर, तो हम सोचते हैं कि हॉट्स क्वेश्चन मतलब बहुत हायर लेवल के आने वाले हैं, तो बच्चा कोई JEE नीट नहीं देने वाला है। बच्चा हॉट्स का मतलब हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का बना है कि उसका आंसर बच्चों को थोड़ा सोच के जवाब देना है, क्रिटिकल थिंकिंग लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन बहुत सैम्पल पेपर में आ रहा है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कि पत्ते का रंग क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पत्ते का रंग क्या है, लेकिन नीचे दिया है पत्ता तोते के रंग का है, पत्ता कबूतर के रंग का है, पत्ता कोयल के रंग का है। तो बच्चे को यह भी पता होना चाहिए कि जो पत्ता है वो हरे रंग का है, मतलब तोता भी हरे रंग का होता है। सो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। ऐसे ही बहुत से सैम्पल क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी आ चुके होंगे, जिससे आप गो थ्रू करिए, डिस्कस करिए और क्लास में बच्चों को बताइए। तो एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी हुई क्लास 6, और एट द एंड ऑफ मिडिल एज, मतलब जहाँ 6, 7, 8 की बात होगी, तो क्या बच्चा लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग करने लगा, वो होगा क्लास
9। तो क्लास 9 तक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट आपको देखना है। तो परख एक प्रकार का असेसमेंट पैटर्न एनईपी ने हमें दिया है, जो कि आपके असेसमेंट पैटर्न को ट्रांसफॉर्म कर गया। अब नॉर्मली यूनिट टेस्ट और वो जो टेस्ट होते हैं और आप अपने बच्चों को जो एनालाइज कराते हैं, वैसा नहीं है। नाउ दिस इज द टाइम कि आप बच्चे को असेस कर रहे हैं कि क्या आपके द्वारा पढ़ाया हुआ बच्चा 21st सेंचुरी के स्किल यानी वोकेशनल स्किल या बहुत से ऐसे स्किल के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि अब आप 21st सेंचुरी जो पूरी स्टेज है वहाँ। ये मैं इसलिए स्लाइड कर रही हूँ क्योंकि आपको सारे बाकी टीचर्स सारी चीज़ें शेयर करेंगे। मैं सिर्फ आपको बेसिक बताना चाहती हूँ कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए क्यों हो रही है, क्योंकि अब परख आगे अचानक से सडन जिसकी इतनी तैयारियाँ चल रही, तो परख की ज़रूरत क्या है। तो परख के कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो। उसमें सबसे पहला तो जो आप सब समझते हैं कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस असेस्ड होगा, यानी आपको स्किल पे काम करना है। और स्किल के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आ गया है इसमें, कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है कि क्या स्किल डेवलपमेंट की योग्यताएँ यानी क्षमताएँ उस बच्चे में हैं या नहीं। अब आप में ये भी असेसमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक आपका मैंने जैसे बताया प्राइमरी स्टेज और एक आपकी मिडिल स्टेज। प्राइमरी स्टेज में मेरे दोनों बच्चे आ गए, फाउंडेशनल के भी और प्रिपरेटरी के भी, यानी सेम पैटर्न के क्वेश्चन पेपर होंगे। और मिडिल स्टेज में हमें 4 सब्जेक्ट की इनको तैयारी करानी है। अब ये मिडिल स्टेज का मतलब 6, 7, 8 मत समझिएगा, एट द एंड ऑफ मिडिल स्टेज का मतलब ये क्लास 9 है। इसके आगे दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि क्यों हो रहा है परख, इज यू आर गोइंग टू असेस योर चाइल्ड ऑन डिफरेंट मतलब कैटेगरीज। आपका कंपैरिजन कैसा होगा, देखिए जब परख का एनालिसिस बनेगा, रिव्यू बनेगा, तब देखा जाएगा कि लड़के ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं कि लड़कियाँ, तब देखा जाएगा कि गांव के स्कूल अच्छे करते हैं या शहरों के स्कूल, तब ये भी देखा जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब CBSE, गवर्नमेंट एडेड या आपके प्राइवेट स्कूल, किस स्कूलों का एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है NEP के बाद। और सोशल ग्रुप मतलब कौन सी कैटेगरी के, जनरल ST SC OBC, कौन सी कैटेगरी के बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपका असेसमेंट भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में है, ये खाली बच्चों का असेस नहीं होने वाला है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसमें शायद आपने सुना होगा, ब्रिजिंग। हम क्या करते हैं, हम एज अ टीचर भी जब क्लासरूम में जाते हैं तो हम प्रीवियस नॉलेज एक बार जरूर चेक करते हैं। ये सबने पढ़ा है, BEd का ही बहुत बेसिक चीज़ है कि आपने एक टॉपिक पढ़ाया फोटोसिंथेसिस, तो आपको पिछला पता होना चाहिए कि बच्चे को कुछ आइडिया है कि नहीं। सेम यही हो रहा है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2022 और 2023 के बीच की गैपिंग को चेक करना है। तो अगर कहीं कुछ हमें शॉर्टकमिंग दिखती है बच्चों के डेवलपमेंट में या टीचिंग पैटर्न में या, तो वो असेस होके उस गैप की फिलिंग होना बहुत ज़रूरी है। और मार्क्स पे नहीं हो रहा है, दैट इज़ प्योरली ऑन देयर कॉम्पिटेंसीज। आपके नंबरिंग अब आपको नहीं डिसाइड करेंगे, क्योंकि रोट मेमोराइजेशन रिमूव करना सबसे पहला NEP का बेसिक चीज है कि डेवलप द स्किल नॉट द रोट मेमोरी। मतलब आप सब अनदर थिंग इज LOs, जिसके बारे में बहुत से टीचर्स जानते हैं, बहुत से टीचर्स उस पर फोकस कम कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते समय हमें ये लगता भी है कि हमने चैप्टर करा दिया, पोर्शन खत्म कराना है, लेकिन क्या उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपके आउटपुट आए हैं कि नहीं, वेदर यू आर एबल टू अचीव द टारगेट, उसे आपने लर्निंग आउटकम LOs कहा है। उसका LOs का इम्पैक्ट क्या है, अभी तक आप LOs अचीवमेंट की बात करते थे, पर अब आप बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे क्या क्या होता है। आपने अगर रीडिंग स्किल आ रही है कि नहीं, आपने एक चैप्टर को पढ़ाया और आपने सिर्फ देखा लर्निंग आउटकम था कि बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं, बच्चा पढ़ सकता है, बच्चा कैसे पढ़ता है, बच्चा कितना पढ़ेगा, बच्चे ने क्यों नहीं पढ़ा, ये बहुत सारे प्रश्न इसके चारों ओर हैं। तो अगेन कुछ फैक्टर्स हैं जो इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे, असर देंगे। एक तो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में आपका स्कूल कहाँ लोकेटेड है, आपकी स्टाफ क्वालिटी क्या है, कैसे टीचर्स हैं वहाँ, कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज आप दे रहे हैं, वहाँ की ट्यूशन फीस क्या है, स्कॉलरशिप कितनी दी जाती है बच्चों को। कई बार बच्चों के बहुत सा माहौल भी उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट करता है। दूसरा आपका इन्फ्लुएंस करती है लर्निंग, लर्निंग पैटर्न में वो क्या रहेगा, अगेन आपका स्कूल, वहाँ का इंफ्रा, वहाँ की क्लासरूम एनवायरनमेंट, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं कि क्रिएट द लव फॉर लर्निंग।
प्यार कराना है आपको बच्चों को पढ़ाई से, तब वो स्कूल से करेगा और तब वो पढ़ना सीखेगा। अदरवाइज मुश्किल है, तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वहीं से चेक होगी। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव बिहाइंड एनईपी टू हैव दिस एग्जाम ऑफ परख। इसे करने के लिए मेन चीज़ें यही हैं कि क्या हम ब्रिजिंग कर सकते हैं कॉम्पिटेंसीज जो अचीव नहीं हुई हैं अलग अलग स्टेज पे। फाउंडेशनल स्टेज पे नहीं हुई तो प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी नहीं हुई तो आगे आपका एट द एंड ऑफ मिडिल, मतलब आपका हाई स्कूल तक के, वो हर बार आपको अचीव करना है अलग अलग स्टेजेस पर। उसके लिए आप देखते हैं कि हम बहुत से TLM, बहुत सारे इंटरवेंशंस, बहुत सारी नई लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो हम अवेल करते हैं, मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो सारी चीज़ें हम पढ़ाते समय इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आपकी सारी बजटिंग इंश्योर कर रही है इस बार गवर्नमेंट कि इन सारी चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए कि कोई भी पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि अल्टीमेटली उसका बेनिफिट बच्चों को हो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट परख, कि परख क्या है, परख 3 स्टेज पे होगा और परख का एम क्या था, क्यों हो रहा है। नेक्स्ट जो मेरे टीचर्स कलीग हैं मिसेस नेहा मजुमदार, मिसेस करना राव एंड मिसेस श्वेता पांडे, आपको तीनों अलग अलग क्लासेस के बारे में, OMR शीट्स के बारे में बताएंगी। थैंक यू। वो शैक्षणिक प्रणाली में सुधार के लिए मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। जैसे कि हम सब अभी NAS और SAS के बारे में जानते हैं, NAS और SAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे, परख इसका मार्गदर्शन करता है। परख का उद्देश्य एक ऐसा मूल्यांकन ढांचा बनाना है जिसे विभिन्न राज्यों और शैक्षणिक बोर्डों में समान रूप से लागू किया जाए। इनका उद्देश्य है कि सभी स्कूलों में जब बच्चों का असेस किया जाए तो वो इक्वल रूप से किया जाए, इसलिए परख जो है वो समान रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी क्षेत्रों के छात्रों का जो मूल्यांकन है वह एक ही मापदंड के अनुसार हो सके। देर आर 3 स्टेजेस ऑफ परख। परख के 3 स्टेजेस, पहला है प्राइमरी, प्रिपरेटरी और हायर। एट द एंड ऑफ फाउंडेशनल स्टेज जो होगा Class 3 के लिए, इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न होगा मैं अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो उसमें जो सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे वो 3 सब्जेक्ट्स होंगे। पहला होगा लैंग्वेज, दूसरा होगा मैथ्स और तीसरा होगा द वर्ल्ड अराउंड अस। तीनों से ही जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तीनों से रिलेटेड 15 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 45 होंगे, जिसका ड्यूरेशन जो होगा वो 60 मिनट्स का होगा। सेकेंड स्टेज है फॉर Class 6 एट द एंड ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज। Class 6 और Class 3 में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होगी, बट क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन वाइज चेंज हो जाएंगे। सेक्शन ए जो होगा वो होगा लैंग्वेज, सेक्शन बी मैथ्स और सेक्शन सी द वर्ल्ड अराउंड अस। Class 6 में जो क्वेश्चन लैंग्वेज के पूछे जाएंगे वो 15 पूछे जाएंगे और मैथ्स और द वर्ल्ड अराउंड अस से 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 51, जिसके लिए भी 16 मिनट डिसाइडेड है। इसमें क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसमें 4 सब्जेक्ट्स होंगे, लैंग्वेज, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, बट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80 नहीं होंगे। इसमें चेंज ये होगा कि 20, 20, 20 and 20, 80 मार्क्स तो होगा लेकिन जो क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन होंगे वो 60 मार्क्स ही होंगे। कुछ सेट्स में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ सेट में सोशल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इज कंपलसरी।
बुक अभी तक हम ये देखते हैं इसकी सीटिंग अरेंजमेंट में भी चेंजेस रहेंगे। अभी तक हम ये देखते आ रहे हैं कि हम जब बच्चों को बुलाते हैं तो वर्टिकली बिठाते हैं, बट इसमें हॉरिजॉन्टली बिठाया जाएगा। परख का जब एग्जामिनेशन हम हेल्प करेंगे तो बच्चों के लिए 6 रोज डिसाइड करेंगे और बच्चे हॉरिजॉन्टली बैठेंगे। जो क्लास होगी बच्चे की, जैसा 3 क्लास है तो 3, और बुकलेट नंबर 1 तो 31, 32 एंड 33, 34, 35, 36 तक जाएगा, और जब 37 आएगा तो वो 37 नहीं होगा, वो अगेन 31 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 बुकलेट्स बटेंगी, वैसा ही 6th के लिए भी होगा, और 9th में ये जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और वो 8 बुकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब मैं क्लास 3 के लिए बताना चाहूंगी आपको, जो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप क्लास लेवल पे बच्चों का परीक्षण करेंगे, उनकी कॉम्पिटिटिविटी दक्षता का परीक्षण जब करेंगे, तो आप उनको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले तो आप बच्चों का लेवल चेक करने के लिए ये देखेंगे कि उनका नॉलेज कितना है। अगर हम क्लास 3 के बच्चों को ले रहे हैं तो क्या उनको अक्षर ज्ञान है? क्या वो 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ सकते हैं? आप उनका लेवल चेक करते चले जाएंगे। 3 अक्षर वाले शब्द पढ़ सकते हैं? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ सकते हैं? फिर उनको मात्राओं का कितना ज्ञान है? वो मात्राओं से रिलेटेड शब्द पढ़ सकते हैं कि नहीं? वाक्य पढ़ सकते हैं? अगर वो पढ़ रहे हैं, मतलब आपका बच्चा परख एग्जामिनेशन में दक्ष। जो बच्चे नहीं पढ़ सकते, हम उनको वहाँ स्टॉप करेंगे। अगर किसी बच्चे को अक्षर नॉलेज है, 2 अक्षर पढ़ पा रहा है, 3 पढ़ पा रहा है, 4 पढ़ पा रहा है, मात्राओं में कुछ मात्राओं का नॉलेज उनको नहीं है, तो हम उनको वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चे आगे की स्टेजेस तो क्लियर कर लिया, वो कहाँ अटक रहा है हमको वो देखना होगा। सिमिलरली आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, सपोज एक एग्जांपल लेती हूँ सेब्स का। हमने बच्चों को सेब्स पढ़ा दिया कि सेब्स क्या होते हैं। अब परख जो है वो थ्योरी नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिलीव करता है। परख का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ थ्योरी नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं है, परख का उद्देश्य बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना। सपोज मैंने पढ़ाया उनको शेप, शेप में एक सर्कल पढ़ा दिया, तो अब मैं उनको रिलेट करना सिखाऊंगी कि शेप ऑफ सन, इस सर्कल उसका कलर कौन सा था। मम्मी ने घर पे चपाती दी आपको टिफिन पे, आप चपाती लेके आए, उसका शेप कौन सा है। ट्राइंगल पढ़ाया तो ट्राइंगल को रिलेट कर सकते हैं कि ट्राइंगल हम समोसे में देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं? पिज़्ज़ा, यस एग्जैक्टली, क्योंकि अभी बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद आता है, तो पिज़्ज़ा का शेप क्या होता है। आपने स्क्वायर पढ़ाया तो हम उनको ये क्लास में एक टारगेट दे सकते हैं कि क्लास में आप सर्च करके बताइए, अगर आप अपने देख पा रहे हैं तो कौन कौन सा शेप जो है वो स्क्वायर का है, कौन कौन सा शेप रेक्टेंगल है। तो ऐसे करके हम उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चा स्कूल से घर आया, द वर्ल्ड अराउंड अस की अगर बात करें, तो बच्चा स्कूल से घर आया तो कैसे आया? अगर पेरेंट्स के साथ आ रहा है तो 2-व्हीलर या 4-व्हीलर में आया, तो उसमें कितनी व्हील्स थी? कौन ड्राइव कर रहा था? द पर्सन हु ड्राइव, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे करके हम उनको द वर्ल्ड अराउंड अस से रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम 6th के लिए पढ़ाएंगे तो उसमें 3 और 4 का जो सिलेबस होगा, तो इसमें लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अभी हमने देखा बच्चा सेंटेंस बना सक रहा है कि नहीं, फिर हम देखेंगे कि बच्चे को प्रोज पोइट्रीज पता है कि नहीं। 3 का बच्चा अगर पोयम आपको डिसाइड करके बता रहा, तो 6 का बच्चा उस पोयम से रिलेटेड आपको चीज़ें बता पा रहा है कि नहीं, उसको एप्लीकेशन लिखना आता है कि नहीं, पैराग्राफ राइटिंग कर सकता है कि नहीं। तो 3 और 6 में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी रहेगी, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज से, 18 क्वेश्चन आएंगे मैथ से, और 18 क्वेश्चन आएंगे द वर्ल्ड अराउंड अस से। और क्लास 3 के लिए तीनों ही क्वेश्चन जो आएंगे वो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के, लैंग्वेज के, और द वर्ल्ड अराउंड अस। एक क्वेश्चन यहाँ लेते हैं क्लास 3 का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको बच्चों को सर्कल करना सिखाना होगा। अभी तक के रूल्स के अकॉर्डिंग जो FIs आते हैं क्लास 3 के लिए, वो ही सर्कल्स करते हैं OMR शीट, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों से फिल नहीं कराया जाता है। बच्चे क्वेश्चन पेपर में टिक करके दे देते हैं, जैसे लास्ट डे का क्वेश्चन पेपर था, बच्चे ने बीच में सर्कल किया हुआ, जो FIs आए थे फिल्ड इन्वेस्टिगेटर्स,
उन्होंने सर्कल करके पूरी ओएमआर शीट फिल की थी। आगे अगर कोई चेंजेस होगी तो उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। सिक्स का बच्चा ओएमआर शीट खुद फिल करेगा तो आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि ओएमआर शीट कैसे फिल कर सकते हैं। जो एफ आईज आते हैं वो हमको इंस्ट्रक्ट किए थे कि बच्चा चूंकि छोटा है तो आप उसको क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हैं। विद पिक्चर शोज एलिफेंट, तो ये चार पिक्चर में बच्चा अगर कंपेयर करेगा तो उसको ये पता है कि एलिफेंट कैसा दिखता है, वो देखेगा और उसमें सर्कल कर देगा। चूज द वर्ड दैट मैचेस द पिक्चर, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक वर्ड चूज करना है इस पिक्चर को देख के। अब देखिए यहाँ ट्रैक्टर दिया हुआ है, सोफा दिया हुआ है, मोटरसाइकिल भी दिया हुआ है और कार दिया हुआ है। तो जिसको इसकी पिक्चर क्लियर होगी जिस बच्चे को, सर्कल इन दैट डी, ऑप्शन डी कार। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस बच्चों को पूछे जाएंगे। अब ओएमआर शीट कैसे भरनी है इसकी जानकारी आपको देनी है। एक बार बोला करो, एक बार आगे कॉल करना रहा हूं मैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कि आपके पास जो चार सब्जेक्ट पेपर है एक्चुअली पेपर बेस्ड है, लेकिन इसमें ओएमआर टेक्नोलॉजी भी यूज होगी। ठीक, मतलब जो आंसर से जो ओएमआर में टिक होंगे वो जांचे जाएंगे। तो क्लास थ्री के लिए जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उसके लिए जो एफआई और ऑब्जर्वर होगा वो खुद से, मतलब बच्चे तो क्वेश्चन पेपर में लगा लेंगे, क्वेश्चन पेपर बच्चों को नहीं देना है, वो रिटर्न लेना है। ठीक, एज जो भी क्लासरूम में ऑब्जर्वर होंगे और साथ में जो टीचर होगी उस समय, उनको ये श्योर करना है कि जितने पेपर आप दे रहे हैं उतने पेपर आप वापस लेंगे। ओएमआर क्लास थ्री के लिए वो जो असाइन टीचर होगा उसी को ही बनना है, और बाकी सिक्स और नाइन वाले जो बच्चे हैं वो अपने से ओएमआर लगाएंगे, जिसको मैं इसको लास्ट में डिस्कस करूँगी। इसमें तीन आपको क्वेश्चनरीज मिलेंगी, एक है पीक्यू जो बच्चों के लिए पेपर्स हैं क्लास थ्री, क्लास सिक्स और क्लास नाइन। उसके बाद है टीक्यू, ये टीचर्स क्वेश्चनरी है। कोई ऐसे दो टीचर्स या एचएम या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या जो असाइंड होंगे वो टीचर उसको फिल करेंगे। उसमें नॉमिनल कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ खास नहीं है। स्कूल में टीचर्स को कितना, मतलब कितनी कितनी पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है। उसमें बस टिक यस और नो करना है। आज आप बैलेंस पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, ये स्कूल के हेड या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल या एचएम जो भी है, ये उनको भरने के लिए, जिसमें स्कूल की जानकारी भरी जाएगी, यूडाइस कोड वगैरह जो भी है, कितने टीचर है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचर, ये उसमें लिखा होगा। ठीक है, ये की फीचर्स एक बार डिस्कस हो चुके हैं। आप लोग को अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, जो क्लास थ्री है उसका जो कोडिंग है वो थ्री से शुरू होगा क्वेश्चन पेपर का। क्लास सिक्स के लिए जो ग्रेड सिक्स के लिए जो है उसमें सिक्स की कोडिंग है, सिक्स से शुरू हो रही है, और नाइन के लिए नाइन से शुरू हो रही है। और ये सब्जेक्ट तो जैसे मैम ने पहले ही बता दिया है कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। ये भी आप देख सकते हैं, ये भी डिस्कस हो चुका है एक बार। वैसे भी इसमें बुकलेट जो है एक बार में छः देनी है, छः के बाद वापस फिर वन से लेकर सिक्स, इस तरह से। हम लोग जनरली जब ऐसे बांटते हैं तो सेवन बांटते हैं, पर हम सेवन नहीं बांटेंगे, हम लोग ऐसे बांटेंगे क्रॉस में, डोर टू विंडो हॉरिजॉन्टल, है ना। यहाँ से बांटना शुरू करेंगे, छः तक जाएगा, छः के बाद वापस वन आएगा, इस तरह से आपको सेट रखना। जो आएंगे उनके साथ किसी को इन्वॉल्व होकर इसको करना पड़ेगा, सेट बनाने पड़ेंगे, है ना। जिसको भी प्रिंसिपल मैम आपको आपके स्कूल में बोलेंगे, वो जिसको असाइन किया जाएगा उसको करना है। ये टाइमिंग्स आपको कंफर्म होंगी। ये कुछ सर्वे का मटेरियल का फ्लो कैसा गया ये उसके लिए है, ये हमारी जानकारी के लिए उतना है नहीं, पर कल बनाऊंगी।
थ्री सब्जेक्ट है क्लास नाइन के लिए, ठीक है, है ना। अब ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये अपने लिए तो मैंने, तो मैं स्किप कर रही हूँ। हाँ, ये OMR नहीं, ये जो CBSE से आएंगे उनके लिए, हम लोग के लिए नहीं, हम लोग वाला मैं खोल दूँ। जिसमें टीचर क्वेश्चनरी लिखा होगा उसको टीचर क्वेश्चनरी ही उसमें डालना है एनवलप में। उस तरह से पीपल वाला पीपल OMR एक AT है जो है अटेंडेंस शीट। एक दिन पहले ऑब्जर्वर आपके स्कूल में आएंगे, जो जितने बच्चे हैं उनके अटेंडेंस लेंगे, नाम लिखेंगे और किनको वो असाइन करेगी सैम्पल करके कि कौन सा सेक्शन ले रही है, कौन सा क्लास के किस बच्चे को ले रही है, वो एक दिन पहले भर के चले जाएंगे, है ना। वो भी इसी में डालना है आपको। ये इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी है, तो ये FI के लिए है, ये FI अपने अपने से कोई नहीं है, इसलिए स्किप कर रही हूँ। इस तरह से आपको एक शीट मिलेंगी जो FI के प्रेजेंस में आप लोगों को भरना है, जो भी है, लिखा है, बस वही वो तुरंत तुरंत भर देंगे। ये कुछ है, ये अपने लिए नहीं है, जो CBSE के हेड्स है ये हेड्स को भरना है, ये वाला तो मैडम भर देंगे। ये सैम्पलिंग है स्कूल सिलेक्शन, और ये सैम्पलिंग को जो FIs आएंगे, जो इन्विजिलेटर्स आएंगे, ये उनके लिए। ये है आपका सिटिंग अरेंजमेंट जैसा बात कर रहे थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी आएगा इधर। 6 के बाद फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 30 तक जाएगा। 30 के बाद अगेन और अगर बच्चे होंगे तो वापस उधर से नंबर 1 के साथ चालू हो गए, ठीक है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टली सिटिंग होगी 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। इन केस यहाँ पे अगर आप देख रहे 6-3 वाला बच्चा एबसेंट हो गया, 6-1, 6-2 प्रेजेंट है, 6-3 एबसेंट हुआ, 6-4, 6-5 प्रेजेंट है, तो 6-4 को आप 6-4 की प्लेस पे नहीं बिठाएंगे, वो 6-3 वाली प्लेस पे बैठेगा। जब बच्चे एबसेंट होंगे उनके लिए प्लेस आपको नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना। लेकिन रोल नंबर तो वही, जो नंबर को देखी जाएगी वही लिखना है आपको। रोल नंबर की शीट अलग होती है मैम, उसमें जो अटेंडेंस शीट होगी उसमें बच्चे की डिटेलिंग जाएगी उसी सीक्वेंस में। ये बुकलेट डिटेल होगी, जैसे बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसलिए वो जो बच्चा एब्सेंट है उसकी बुकलेट हमको नहीं छोड़नी है, वो सीक्वेंस में ही चलती जाएगी। मैम ऐसे पॉसिबल तो नहीं क्लासरूम में से ए पैसे नहीं, वो एक दिन पहले आके सैंपल लेके करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर लास्ट क्योंकि ये आपको ऑनलाइन चाहिए जी। ये है सैंपल ग्रेड वाइज के लिए समय देंगे क्योंकि ऑनलाइन है, पर ये मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, तो जैसे मीटिंग एंड होगी हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें आप अपने क्वेश्चन। इस तरह की अटेंडेंस शीट है, वो एक दिन पहले जो भी इन्विजिलेटर आ रहा है, ऑब्जर्वर आ रहा है, एक CBSE से आएगा, एक ब्लॉक लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल में से कोई एक आएगा, एक आपके स्कूल का भी हो सकता है, ठीक। ये आपके अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से सीरियल नंबर वो नोट करेगा, जितने बच्चे हैं सबको लिखेगा, और स्टूडेंट ID जिसको सैंपल क्लास जो लेगा उस हिसाब से वो अपने से भरेगा और वही उसका रोल नंबर करेगा, ठीक है। तो ये उस दिन की तैयारी है जो जिस दिन पेपर होगा 4 दिसंबर उस टाइम के लिए। इस तरह से कुछ ये है कंट्रोल शीट है, ठीक है। ये आपकी OMR शीट का एक सैंपल है, क्लास 3 के लिए तो भरना नहीं है, ये टीचर और ऑब्जर्वर बैठ के भरेगा, 6 और 7, 9 वाले इसको भरेंगे। इसमें जो करेक्ट आंसर होंगे उसमें हमको सर्कल करना है, बाकी की जानकारी या तो आप बच्चों को आप सिखा दें या फिर आप बैठ के भरेंगे जो भी क्लास टीचर होंगे, ताकि गलती ना हो, क्योंकि OMR शीटें एक भी चीज़ अगर मिस्टेक होती है तो वो चेंज नहीं होने वाली, जितनी आएगी उतनी ही बच्चों की लिए उतनी ही आएगी, एक्स्ट्रा नहीं रहती उसमें, जो यूज़ किया है और अनयूज जो भी होगा वो भी पूरा पैकेट में डल के चला जाएगा, कुछ बचता नहीं है इसमें। और कुछ पूछना है इसमें? एक मिनट, ये CBSE और CG दोनों के लिए ये OMR शीट में मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा डिटेलिंग बताना चाहूँगी। देखिए
हम लोगों ने इनविजिलेशन ड्यूटी में ये भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे बड़े स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं वो लोग तक ओएमआर शीट फिल करने में गलतियां करते हैं, और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि बबलिंग उनको चार ऑप्शन में से एक में करना है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही में दो तीन गोले में पूरी बबलिंग कर देते हैं, और ये पेन से होता है तो करेक्शन का ऑप्शन भी नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बच्चा हमारा एग्ज़ाम सॉल्व कर, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पा रहा है, पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, सही आंसर भी कर रहा है, लेकिन अगर उसको ओएमआर शीट फिल करने नहीं आता तो फिर उस कंडीशन में पूरा रिजल्ट उसका ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शीट जो है वो रीड ही नहीं हो पाएगी। तो हम लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम उनको ओएमआर शीट फिल करना अच्छे से सिखाएं। अब ये आप अपने लेवल पे कि आप उसको किस तरीके से सिखा सकते हैं, लाइक आप चाहें तो कुछ सैंपल ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड में भी उनको बबलिंग करके बता सकते हैं। अगर आप उनको कुछ फोटोकॉपीज प्रोवाइड कर पाएँ, एटलीस्ट टू स्टूडेंट के बीच में एक उनको दे के एक आध बार हम लोग फिल करवा के दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी है, एज, हाइट, वेट, इसमें भी उन लोग गलती करेंगे, हम लोगों को थोड़ा सा उनको बताना पड़ेगा। सोशल ग्रुप एससी एसटी ओबीसी, कुछ नाइन्थ तक के स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिनको अपनी कैटेगरी नहीं पता होती है, तो उस टाइम पे हम लोग को इंस्ट्रक्शन उनको प्रॉपरली देने होंगे कि आप सही से इनको भरिए। बाकी जेंडर वगैरह तक तो ठीक है, उसको उन लोग अच्छे से भर लेंगे। यहाँ पे CWSN का भी एक दिया हुआ है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, और इसमें कुछ कैटेगराइज भी किया हुआ है, कुछ कोड वर्ड लिखे हुए हैं, और उसका यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है, जैसे LD लोकोमोटर डिसेबिलिटी करके यहाँ पे लिखा है, विजुअल इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज, ये सारा यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे टीचर को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती कर सकता है। और उसके बाद हालांकि ओएमआर शीट काफ़ी सिंपल है, बट क्योंकि हम लोग हर संडे बहुत इन्विजिलेशन करते हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि वो तो नाइन्थ के बच्चे हैं, पहली बार ओएमआर शीट फिल करेंगे, तो उनको ये चीज़ करवाना है। और वैसे तो यहाँ पे मनीषा अवस्थी मैम और नेहा मजुमदार मैम, करुणा मैम, सब लोगों ने आप लोगों को परख क्या है, क्यों हो रहा है, उसके मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करी है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये कंक्लूड करना चाहूँगी, स्पेशली फॉर क्लास नाइन्थ में हम लोग ये असेस कर रहे हैं कि वो मिडिल एज तक, मतलब जो मिडिल स्टेज है उसका, क्लास 6, 7 और 8, यहाँ पर उसकी जितनी लर्निंग होनी चाहिए, जितने स्किल्स उसको आने चाहिए, और जो जितना उसको गोल अचीव करना था उतना हुआ या नहीं हुआ, ये उसको चेक करना है। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पेपर के सैंपल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन वो एकदम डायरेक्ट नहीं पूछा। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम वाटर में लेमन जूस ऐड कर देते हैं तो उसका पीएच क्या होगा, ऑप्शंस दिए हुए थे, पीएच कम हो जाएगा, पीएच बढ़ जाएगा, पीएच इतना ही रहेगा। तो अगर बच्चा यहाँ पे सही आंसर कर पा रहा है, दैट मींस उसको ये भी पता होगा कि वाटर का पीएच कितना है, उसको ये भी पता होगा कि लेमन जूस एसिडिक नेचर का होता है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम वाटर में उसको ऐड कर रहे हैं तो उसका पीएच डाउन होगा क्योंकि पूरा सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों को जज कर लेता है, इसके आंसर से हम बहुत सारी चीज़ें जज कर पा रहे हैं। तो सैम्पल पेपर यहाँ पर कुछ मैंने डाउनलोड किए थे, पोयम कविता यहाँ पे छोटी सी दी हुई है, और इसके बाद अगर वो बच्चा इनको ध्यान से पढ़ पाएगा तभी इसका आंसर कर पाएगा। दैट मींस अगर जब हम तैयारी करा रहे हैं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक लैंग्वेज है, जैसे कि 8 बुकलेट्स यहाँ पे आ रही हैं, तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट स्किप हो रहा है, वो सब्जेक्ट मैथ्स भी हो सकता है, क्योंकि ये जो बुकलेट में मैं देख रही हूँ यहाँ पर कंपल्सरली मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। बुकलेट 1 में लैंग्वेज है, साइंस है, सोशल है, बुकलेट 2 में मैथ्स है, साइंस है, सोशल है, लैंग्वेज हट गया, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज इज कंपलसरी। फिर थर्ड वाले में देखो साइंस है, सोशल है, मैथ्स है, फोर्थ वाले में मैथ्स भी हट गया, साइंस है, सोशल है, लैंग्वेज है, साइंस इज एवरीवेयर, नहीं साइंस इज नॉट एवरीवेयर, इन बुकलेट 5 साइंस इज स्किप्ड नाउ, सोशल, मैथ्स एंड लैंग्वेज, मतलब कोई ना कोई एक सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आइदर इट में भी मैथ्स, साइंस, सोशल और लैंग्वेज, कोई भी स्किप हो सकता है, बट हमको ये पता नहीं कि किस बच्चे के हिस्से में कौन सी बुकलेट आएगी, तो तैयारी हमको 4 सब्जेक्ट की करानी पड़ेगी।
और जब भी हम लैंग्वेज की तैयारी करवाएंगे तो हमको ऐसे ही कोई पैराग्राफ उठा के उसके ही क्वेश्चंस उसको सॉल्व करने बताने। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर उसको पढ़ना आता है और समझना आता है तभी वो आंसर कर पाएगा। लैंग्वेज में तो जितने मैंने क्वेश्चंस एनालाइज किए उसमें मुझे लैंग्वेज में यही चीज़ समझ आई कि उसको पढ़ने आ रहा है कि नहीं और पढ़ के वो समझ पा रहा है कि नहीं, इतने में ही वो आंसर कर रहा है। तो लैंग्वेज की तैयारी हम उसी हिसाब से करा सकते हैं। बच गया आपके पास साइंस एंड सोशल साइंस, तो उसमें हम 6th, 7th और 8th के कोर्स का टॉपिक लेके जो बेसिक्स है, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिया तो उसी के बेसिक क्वेश्चन आए उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछेगा नहीं, लेवल वही है उसका, 6th, 7th, 8th ही पूछना है उसको। तो ये इस क्वेश्चन पेपर के सैंपल और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप गूगल में भी इसका PDF ले सकते हैं और यूट्यूब में भी बहुत सारे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के सैंपल है, तो वहाँ से हम लोग, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक गूगल फॉर्म चल रहा है जिसमें कह रहे हैं क्वेश्चन डालिए, आप लोगों को भी शायद मिला हो क्वेश्चन ऐड करिए वाला। तो अब होता ये है कि कोई भी जो है बहुत इस मामले में एक्सपीरियंस नहीं है कि उसके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कोई भी कुछ भी क्वेश्चन डाल दे रहा है, दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस ये पूछे ही नहीं गए पिछले प्रीवियस वाले में। तो थोड़ा सा हमको, हम प्रैक्टिस करा रहे हैं जब टाइम और एनर्जी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ करें थोड़ा आउटपुट मिले, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आप मैम ने अभी भेजा था जिसमें सारे टीचर्स के नाम जिन्होंने क्वेश्चंस दिए हैं और सारे उनके क्वेश्चन की डिटेल, उनके ऑप्शंस और उनके करेक्ट आंसर पूरा दिया हुआ है। तो उसमें किसी एक टीचर ने एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ योर नेम, और उसके चार ऑप्शन दिए हैं, ए ऑप्शन जगत, बी ऑप्शन जगत, सी ऑप्शन भी जगत और डी ऑप्शन भी जगत, और उसमें रेड मार्क हो गया है। दैट मीन्स हम जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो आँख बंद करके ना डालें, ये हम लोगों के लिए भी एक सीख है कि हमको ऐसे क्वेश्चन ना डालने, क्योंकि वो गूगल फॉर्म में जा रहा है, दैट मीन्स उसका डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा है और वो डिस्प्ले हो रहा है विथ योर मोबाइल नंबर, योर स्कूल नेम, UDIS कोड ऐप और आपका नाम और सारा चीज़ सबके सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो जब हम क्वेश्चन डाल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से और सही क्वेश्चन डालें और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें NEP, मतलब ये जो परख है वो क्या है, क्यों है और उसका मेन मोटिव क्या है, वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको उनको जो एक महीने का हमारे पास, अब तो एक महीना भी नहीं रहा हार्डली, लेस देन 1 मंथ, उसमें हमको जितनी तैयारी हम करवा सकते हैं डेली डेली करके वो करवाएं, 4 सब्जेक्ट की, चारों को आएगा तो 3 ही लेकिन करवाना चारों। तो मेरे ख्याल से डाउट सेशन ले लेना चाहिए, इसको रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो, बोल के बंद कर लेना। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लेंगे, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं ऑन मतलब ऑफलाइन जो उपस्थित हैं, और जितने भी डिटेल्स हमारे पास हैं, जितने भी लिंक्स हैं, जितने भी हमारे पास प्रश्नों की जो पूरी श्रृंखला है, लगभग मैंने आपके संस्था प्रमुखों के साथ जब जब मुझे रिसीव हुआ है, चाहे वो रात के 5 क्यों ना बजे हों, सुबह के 5 क्यों ना बजे हों, मैंने आपके संस्था प्रमुखों के साथ तुरंत वो शेयर किए हैं। बट फिर भी एक बार मैं अभी फिर शेयर कर दूंगी आप सभी के संस्था प्रमुखों के साथ, क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ, आप उनसे ले सकते हैं और इस पर आप प्रैक्टिस कराइए। आपके जो भी प्रश्न हैं अभी हमारे टीचर्स लेंगे। इसके अलावा एक बार लास्ट में मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देती हूँ जितना मैं समझी परख को। तो परख क्या है, पहले तो फुल फॉर्म ही मैं बहुत अच्छे से रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर उसके बाद रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ किसका नॉलेज, क्यों नॉलेज, कौन सा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो पहले तो हम ये समझे कि ये एक प्रकार का टेस्ट नहीं है, असेसमेंट है। टेस्ट और असेसमेंट में बहुत सारा फर्क होता है, हिंदी में जाए तो आकलन है, हमें आकलन करना है अपने बच्चों का, पर चूंकि हम उनको तैयारी कराएंगे तो आकलन होगा हमारा कि हमारे बच्चे कितना कर पाए, कितना समझ पाए, पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए। अभी मैडम ने उदाहरण दिया, मेरा भी एक उदाहरण बैठे बैठे बन गया, आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी, सुबह भी मैंने मैडम की क्लास में किया है। जैसे क्लास 9 की बात है, तो यदि वो पूछता है कि H2O वाटर का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन अगर आ गया कि H2O में कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, हम सभी जानते हैं कि H2O इज़ ए कंपाउंड है ना, तो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, और ऑप्शन 4 आ जाते हैं, पहले में आ जाता है CO, दूसरे में आ जाता है HO, तीसरे में आ जाता है HC, चौथे में कुछ और आ जाए,
तो यदि बच्चे को ये पता है कि उस कंपाउंड का, वाटर कंपाउंड का फॉर्मूला है H2O, लेकिन उसे दिमाग लगाना पड़ेगा ना थोड़ा सा उस समय, H2O तो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है चारों ऑप्शन में, पर आंसर उसे पता है। ये स्थिति भी हो सकती है, हाई लेवल का उसे पता है, जैसे मैडम ने बताया हाई ऑर्डर थिंकिंग हमेशा हाई ऑर्डर नहीं होगा, कहीं पे लो ऑर्डर भी आके वो हाई ऑर्डर बन सकता है। जैसे H2O फॉर्मूला उसे पूरा ही पता है, पर कौन से एलिमेंट्स उस कंपाउंड में हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, यानी लो लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यदि उसको पता है कि एच हाइड्रोजन एंड ओ ऑक्सीजन H2O में है, तभी वो उसे टिक कर पाएगा। तो हाई ऑर्डर के चक्कर में हम हाई ना जाएं, हम लो से शुरू करें। लो से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं हाई में पहुंच जाएंगे, और हॉट्स हॉट्स बार बार सुनकर हाई से शुरू करेंगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। जानकारी और भी पहले आप लोगों से मैं साझा करना चाहती थी, फिर अभी भी बहुत समय बचा है, हमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं करना है, क्योंकि क्या क्वेश्चन आएंगे ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, हमारा स्कूल कौन से लेवल के लिए सेलेक्ट होगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे उनके क्वेश्चन आयर में वो भी हम नहीं जानते। हम सिर्फ उनको ये सिखाएं आकलन करना, क्योंकि इस परत का पूरा जो भार आ रहा है वो असेसमेंट में आ रहा है, आकलन में आ रहा है। बच्चों को आकलन करना सिखाएं, पढ़ लें तो समझने की कोशिश करें, और इसके लिए एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। दूसरा क्वेश्चन जो मैं उठाना चाहती हूँ, जो अभी मैडम ने कहा कि किसी ने ऐसा क्वेश्चन डाल दिया कि आपका नाम क्या है, जिम्मेदारी लें अपने बच्चों के लिए, अपने लेवल पे 5-5 प्रश्न बनाएं। हमारे साथ एक ग्रुप हम शेयर कर लेते हैं, ग्रुप एक लिंक भेज देंगे हम आपको, जितने लोग आ जाए हैं कृपया उस ग्रुप को शेयर कीजिए। अपनी जिम्मेदारी लीजिए, 5 प्रश्नों का योगदान दीजिए आपसे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, और इसमें भी अगर वो शामिल है वो सब्जेक्ट, 5 प्रश्नों का योगदान दीजिए। हम इतने बैठे हैं, हम सब 5-5 प्रश्न डालेंगे तो कितने हो जाएंगे, पर अपना खुद का भी आकलन करें कि किस लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं, अपने बच्चों को हम किस लेवल का समझते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन दें। तो क्वेश्चन बनाने में योगदान दीजिए, गूगल लिंक एक आपके साथ शेयर कर लेंगे जिसमें आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अपनी भी मात्राओं में ध्यान दीजिए, अपनी भी स्पेलिंग्स में भी ध्यान दीजिए, है ना, ताकि अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकें। हम दीपक नगर संकुल तो उससे लाभान्वित हो ही, क्योंकि ये कोई दीपक नगर या दुर्ग का सर्वे नहीं है, ये राष्ट्रीय सर्वे, तो हम लोग अपना योगदान राष्ट्र को दे रहे हैं। क्योंकि डेटा जैसा शब्द आया था, तो डेटा सिर्फ 4 अक्षर का शब्द नहीं है, बहुत खनक है इस शब्द में। तो डेटा अगर सर्वे सही होगा तभी तो उसके रिजल्ट सही आएंगे। हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं, ये डेटा कहाँ से आता है, इसी प्रकार के सर्वे से आता है। तो अगर हम अपने संकुल की, अपने स्कूल की जिम्मेदारी लें कि हमारे यहाँ से ये सर्वे 100% अच्छा हो जाए, तो धीरे धीरे अगर यही जिम्मेदारी सभी स्कूल लेंगे तो ये सर्वे जरूर सक्सेसफुल होगा। हम सब पे ये जिम्मेदारी है कि इस सर्वे को हम सक्सेसफुल करें। एक चीज़ और मैडम ने बोली थी OMR के बारे में, आपको पता है इसका सबसे जो स्तंभ है, बेस है, आधार है, वो OMR शीट है जो वहाँ जाएगी। OMR शीट में गलती ना हो इसका सभी हम ख्याल रखें, हम खुद भी उसको अच्छे से देखें, एक बार उसका प्रिंट आउट निकाल कर खुद भर के देखें, बच्चों से भरवा करके देखें, बच्चों को OMR शीट में प्रैक्टिस करवाएं, एक ही OMR शीट में पेंसिल से प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकें, पेन ना यूज़ करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर OMR शीट में मान लीजिए गलती हो जाती है, तो भी वो OMR तो चला जाएगा ना आपका, तो क्या होगा, रिजल्ट उससे डाउन होंगे। तो प्लीज़ OMR में गलती ना करने दें। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं, जिस क्लास से रिलेटेड होगा, यहाँ पे जो एक्सपर्ट होंगे वो आपके प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। थैंक यू।